मकबूल ड्रामे मायरी में कम उम्र में दुल्हन बनने वाली एनी का किरदार अदा करने वाली आयना आसिफ ने कहा है कि अदाकारी की वजह से उनकी तालीम मुतासिर नहीं हुई। वो स्कूल जाती हैं और शूटिंग के सेट पर ही होमवर्क करती हैं। ऐना आसिफ ने मायरी में एनी नामी नौ उम्र लड़की का किरदार अदा किया है, जिसके दौरान तालीम शादी करवाने की तैयारियाँ की जाती हैं। मायरी की कहानी चाइल्ड मैरिज के मसले के गिर्द घूमती है और इसमें नुमान एजाज और मारिया वासी समेत दीगर अहम अदाकारों ने भी किरदार अदा किए हैं। वो मस्कुरा ड्रामे से कबल भी मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं। उन्होंने महज 11 साल की उम्र से अदाकारी का आगाज किया था। आयना आसिफ ने 11 साल की उम्र में पहली सी मोहब्बत नामी ड्रामे में माया अली के बचपन का किरदार अदा करके शोबिज करियर का आगाज किया था और अब उनकी उम्र 14 साल हो चुकी है। वो ताहाल नस्फ दर्जन से ज्यादा ड्रामों में काम कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि कम उम्र होने की वजह से उन्हें मायरी में मरकजी किरदार की पेशकश होने पर परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने वालदा और ड्रामे की टीम की मदद से उसे कर दिखाया। उनके मुताबिक शुरू में इन पर हसास मौजू पर बने ड्रामे की मरकजी किरदार करने की वजह से प्रेशर था, लेकिन अब वो प्रेशर से निकल चुकी हैं और ड्रामे की हदायतकार की मदद से आसानी से काम कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में आयना आसिफ ने बताया कि ड्रामे में कम उम्र में दुल्हन बनने वाली लड़की का किरदार अदा करते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि छोटी उम्र में शादी करवाना कितनी गलत बात है। इनका कहना था कि कम उम्र में लोग अपनी शख्सियत के बारे में ही नहीं समझ पाते तो शादी करके दूसरे शख्स को क्या समझेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनके ग्रुप के कुछ अफराद की भी कम उम्र में शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस पर मजीद बात नहीं की। कम उम्र में अदाकारी और तालीम से मुतालिक पूछे गए सवाल पर आयना आसिफ ने बताया कि वो पढ़ाई कर रही हैं और हाल ही में उनका दाखिला ओ लेवल में हुआ है। उन्होंने बताया कि वह सुबह उठकर स्कूल जाती हैं, जहां से डायरेक्ट गाड़ी उन्हें शूटिंग सेट पर ले जाती है, जहां वह पूरा दिन रहते हुए स्कूल का होमवर्क भी कर लेती हैं। आयना आसिफ के मुताबिक वो ड्रामे की शूटिंग से रात को 10 बजे के बाद घर आती हैं और सो जाती हैं। सुबह 7 बजे से पहले पहले उठकर स्कूल चली जाती हैं। उन्होंने बताया कि ड्रामों की वजह से शोहरत हासिल करने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। स्कूल में उस्तादा उनसे वैसे ही पेश आते हैं जैसे आम बच्चों के साथ आते हैं। अलबत्ता घूमने के दौरान अगर कोई मदह मिल जाए तो उन्हें खुशी होती है। आयना आसिफ ने ये शिकवा भी किया कि उन्हें मशहूर होने के बावजूद कोई भी मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। Thank you.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Thank you.
कभी छुपता नहीं, मंशात के इस्तेमाल और तशद्दुद के इल्जाम पर अलीज़े शाह का रद्द अमल। नामूर अदाकारा अलीज़े शाह ने उभरती हुई टीवी अदाकारा मनसा मलिक की जानिब से लगाए मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के संगीन इल्जाम पर अपना रद्द अमल दे दिया। वाज़े रहे कि 16 अगस्त को अदाकारा मनसा मलिक ने इस्लामाबाद के थाने वेमन मरकज G7 में अलीज़े शाह के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई थी। दरख्वास्त में उन्होंने मौकफ अख्तियार किया कि अलीज़े शाह ने ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन पर जलता हुआ सिगरेट फेंका और उन्हें मारा। अलीज़े शाह का रद्द अमल ये था कि वाकई के 3 रोज बाद अलीज़े शाह ने आयशा जहांगीर मलिक नामी खातून के इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि सच कभी छुपता नहीं। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि एक गुमनाम शख्स ने मुझे खुफिया तौर पर एक ऐसे वाकये के बारे में बताया जिसका सोशल मीडिया पर तذکرہ किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक साथी अदाकारा ने अलीज़े शाह पर बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि हकीकत यह है कि साथी अदाकारा ने अलीज़े शाह को पहले थप्पड़ सीद किया और फिर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर उन्होंने मजीद लिखा है कि इस वाकये के दौरान सेट पर मौजूद अमला और साथी फनकार समेत तमाम लोग अलीज़े शाह की हमायत करते हैं, क्योंकि ये वाकया शाम 6 बजे के करीब हुआ था और जब तक शूटिंग मुकम्मल नहीं हो गई अलीज़े शाह सबके सामने बेइज्जत होने के बावजूद रात 12 बजे से पहले सेट से नहीं गई। ये इनके काम का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने लिखा है कि मेरा मशवरा है कि दूसरी तरफ की कहानी सुने बगैर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर पर यकीन ना कर लिया करें। ताहम आयशा जहांगीर या अलीज़े शाह की तरफ से मनसा मलिक के मुबैना तौर पर मंशियात इस्तेमाल करने या तशद्दुद करने के इल्जाम की वाज़े तौर पर तर्दीद या तस्दीक नहीं की गई। आयशा जहांगीर नामी इंस्टाग्राम सारिफ की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए अलीज़े शाह ने लिखा है कि सच कभी छुपता नहीं। नामवर मॉर्निंग शो मेजबान अदाकारा और एस्थेटिक डॉक्टर शाइस्ता लोधी का कहना है कि उनके क्लिनिक में ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं जो इनके शोहर या मंगेतर ने फॉरवर्ड की होती हैं। याद रहे कि 2011 में शाइस्ता लोधी ने मॉर्निंग शो से शोहरत मिटी और 2016 में उन्होंने अदाकारी की शुरुआत की और ड्रामा सीरियल वादा और फिर खान में काम किया। डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम हासिल की। शोबिस इंडस्ट्री और बतौर टीवी मेज़बान काम करने और शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पेशे से मुकम्मल अलहदगी अख्तियार नहीं की। शाइस्ता लोधी अब बतौर एस्थेटिक फिजिशियन के नाम से अपना क्लिनिक चलाती हैं जिसकी शाखें कराची और लाहौर में हैं। हाल ही में शाइस्ता लोधी ने एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में शिरकत की जहाँ उन्होंने अपने क्लिनिक में होने वाले प्रोसीजर और कैरियर के हवाले से बात की। प्रोग्राम के शुरू में शाइस्ता लोधी ने बताया कि 11 साल मॉर्निंग शो करके सबक सीखा है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन पर अपनी निजी ज़िंदगी पर गुफ्तगु नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया और टीवी की ऑडियंस मुख्तलिफ होती है, वो हमें मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए हमें अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अदाकारों के अलावा सियासतदान भी चेहरा निकालने के लिए मेरे क्लिनिक आते हैं। एस्थेटिक डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने कहा कि इनके क्लिनिक में शोबिज शख्सियत के अलावा सियासतदान और स्कॉलर्स भी आते हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाते हैं। उन्होंने किसी भी अदाकार का नाम लिए बगैर बताया कि शोबिज शख्सियत में ज़्यादातर अदाकार अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए आते हैं। शाइस्ता ने बताया कि उनके पास ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं, उनके शोहर या मंगेतर ने जो फॉरवर्ड की होती हैं। मैं ऐसी लड़कियों को कहती हूँ कि ऐसे लड़कों से जान छुड़वानी चाहिए जो कि आपके चेहरे की बेइज्जती कर रहा है। शाइस्ता ने मज़ीद बताया कि एक शख्स अपनी अहलिया के साथ मेरे क्लिनिक आया और हंसते हुए कहने लगा कि मेरी अहलिया आपके जैसे कितने दिनों में बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस शख्स के बराबर में बैठी खातून कुछ नहीं बोल सकी, अगर मैं उसकी जगह होती तो उसके गरेबान से पकड़ती कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। अदाकारा ने मज़ीद बताया कि 3 रोज़ कबल मेरे पास एक खातून आई और उसकी बात सुनकर मैं आज भी हैरान होती हूँ। खातून ने मुझसे कहा कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनके पेट पर निशान हो गए हैं, वो पिछले 20 रोज से अपनी वालदा के घर रहती हैं क्योंकि इनके शोहर को अच्छा नहीं लगता। उनके शोहर उन्हें कहते हैं कि पहले ये निशान ख़त्म करवा के आओ, उसके बाद घर में दाखिल होने की इजाज़त होगी।
शाइस्ता ने कहा कि उन्हें इस खातून की बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि आजकल की खवातीन मर्दों के दबाव में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माँ का रुतबा बहुत बड़ा होता है, वो आदमी ऐसा कैसे कह सकता है, आप इन निशानात को अपने लिए कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। शाइस्ता ने बताया, इस खातून ने मुझे कहा कि डॉक्टर प्लीज़ कुछ करें, मेरी शादी बच जाए, जिस पर मैंने कहा अगर शादी को आपने ऐसी चीज़ों से बचाना है तो इससे बेहतर है कि ऐसी शादी ना हो। इन्होंने नादिया खान से ख़राब ताल्लुकात के बारे में सवाल पर कहा कि मॉर्निंग शो मेज़बानों के आपस में मुकाबले होते रहते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है कि जब भी नादिया खान ने कोई प्रोग्राम छोड़ा वो प्रोग्राम मैंने इत्तफाकन ज्वाइन कर लिया।